म्यूजिक है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काट के ये गिरे तेरी छत पे आके आए है मांझा। तो हे गाइस इट्स मी सनी, वेलकम बैक टू वेस्टर्न। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए आप लोगों को देखना होगा। मैं बहुत ही इजी वे में एंड एकदम से सिंपल वे में आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे इस तरह का वीडियो बनाया जाता है। तो गाइस आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह का वीडियो बना भी सकते हो, ठीक है। एंड इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो भी मटेरियल का मैं यूज करूंगा सारा कुछ आप लोग को डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कौन सा वीडियो आने वाला है एंड यहाँ पर कुछ भी आप लोग सवाल हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलेगा इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है वो देख। तो गाइस आप लोग अगर मकर संक्रांति के ऊपर इस तरह का 3D स्पेशल स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है। तो गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट काइनमास्टर एप्लीकेशन का जरूरत होगा, तो आप लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करें, क्रिएट न्यू पर टच करें, सेकंड वाले से को चूज करें, नेक्स्ट पे टच करें। आपको यहाँ पर इमेज पर टच करने का एक ब्लैक कलर का इमेज सिलेक्ट करना है, इसे आप लोगों को 20 सेकंड तक खींच लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 20 सेकंड तक खींच लिया हूँ। अब आप लोगों को लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को देखिए एक स्काई वाला पिक्चर मिलेगा, इससे फर्स्ट ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद इस तरह से इसे जूम करें, ठीक है। जूम करने के बाद आप लोगों को देखिए इस तरह से कोने में, एक कोने में सेट करें। अब गाइज इसे खींच के आप लोगों को 20 सेकंड तक कर लेना है। अब इसे एनिमेट करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो चाबी का आइकन है इस पर टच करना है, लास्ट में जाना है, प्लस के आइकन पर टच करना है, इस तरह से इधर के साइड से स्लाइड कर लेना है, ठीक है गाइज। तो देखिए आप लोगों को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से स्काई मूवमेंट होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इस तरह से होगा। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, लेयर प्रेस करना है, मीडिया प्रेस करना है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को कुछ काइट वाला पिक्चर का मैं PNG पिक्चर दे दूंगा, उसको आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से देखिए जूम करना है ऐड करने के बाद। एंड आप लोगों को यहाँ पर चाबी का कॉन्वर्ट टच करना है, लास्ट में जाना है, प्लस का कॉन्वर्ट टच करना है, इस तरह से इसे देखिए थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर लीजिएगा एंड इधर के साइड इसे कर लीजिए। तो आप लोगों को देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये काइट वाला जो PNG है ये उड़ता हुआ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को और भी कुछ काइट वाला PNG मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए ये एक है, तो इसको आप लोग इस तरह से जूम कर लीजिए, इसे इस पोजीशन में ऐड करें, चाबी का गन पर टच करें, लास्ट में जाइए, प्लस का गन पर टच करें, इस तरह से इसे भी स्लाइड कर लीजिए, ठीक है। अब इसका लेंथ जो है थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट जो काइट है इस तरह से उड़ेगा, सेकंड काइट देखिए इस तरह से ये उड़कर इधर के साइड ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसे फिर से आप लोग डुप्लीकेट कर लीजिएगा। डुप्लीकेट करने के बाद इस पोजीशन में इसे ऐड कर लीजिए एंड आप लोग इसे भी डुप्लीकेट कर सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। और भी बहुत सारा काइट वाला PNG मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उनको भी आप लोग क्या कीजिएगा ऐड कर सकते हो। देखिए ये वाला एक है, तो आप लोग इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लेयर प्रेस करना है, मीडिया प्रेस करना है। यहाँ पर एक आप लोगों को देखिए ये वाला एक पिक्चर है, इसे आप लोगों को इस तरह से ऐड करना है बीच पोजीशन में यहाँ पर एंड नीचे स्लाइड करना है। देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग मिलेगा, इस पर टच करना है। आप लोग टच करने के बाद मल्टीप्लाई पर टच कर लीजिए, तो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसे खींच के 20 सेकंड तक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से होगा, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह से होगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लेयर प्रेस करना है, मीडिया प्रेस करना है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को ये जो एक पिक्चर है, देखिए ये पिक्चर, इसे आप लोगों को इस तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोगों को इसे राइट पोजीशन में सेट करना है, ठीक है। एंड राइट पोजीशन में सेट करने के बाद आप लोग इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक करना है। लास्ट तक करने के बाद आप लोगों को चाबी का गन पर टच करें, लास्ट में जाइए, प्लस का गन पर टच करें, इधर के साइड इसे स्लाइड कर लीजिए। तो गाइज देखिए किस तरह से होगा, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसका एक तरफ जाएगा एंड ये जो रूप वाला पिक्चर है ये एक तरफ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से होने के बाद आप लोग क्या करना है, लेयर प्रेस करना है, मीडिया प्रेस करना है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को खुद का भी एक पिक्चर यूज़ कर सकते हो या किसी का भी आप लोग पिक्चर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर को यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज पिक्चर को थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा, इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा एंड इसे इस कोने में सेट करें, ठीक है। अब इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। अब इसे भी स्लाइड करना है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चाबी का आइकन पे टच करना है, लास्ट में जाना है, प्लस का आइकन पे एक टच करना है एंड इस तरह से इसे देखिए इधर के साइड स्लाइड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो देखिए इस तरह से ये होगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है गाइज।
ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर एक और काइट वाला पीएनजी उसे यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइज ये एक पिक्चर है, इसे आप लोगों को ऐड करना है। देखिए ये पिक्चर है, इसे आप लोग इस तरह से ऐड कर लीजिए एंड यहाँ पर इसे सेट करें, ठीक है, एंड इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। अब गाइज इस जो काइट वाला पिक्चर है इसे थोड़ा सा आप लोग एनिमेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, चाबी का गम पे टच करना है, थोड़ा सा आगे आना है, प्लस का गम पे टच करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे आइए, ऊपर की तरफ कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ करते जाना है इसे, ठीक है, लास्ट तक। तो आप लोगों को मैं लास्ट में आउटपुट दिखाता हूँ कैसा हो रहा। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को नीचे एंड ऊपर कर सकते हो आप लोग, या तो कोई और सा भी आप लोग कर सकते हो जो आप लोगों को सही लगे। तो देखिए यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो काइट वाला पीएनजी है ये इस तरह से मूव हो रहा है जैसे ये उड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करना है। अब ये जो देखिए ये जो पिक्चर है बॉय का पिक्चर, इसे आप लोगों को ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए ताकि ये जो काइट वाला का डोर है ये नीचे चला जाए, ठीक है। तो इतना तक होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए और एक पीएनजी है उसे आप लोगों को ऐड करना है। तो गाइस ये पीएनजी है इसे इस तरह से जूम कर लीजिए। अब गाइस देखिए आप लोगों को इसे इधर के साइड से एनिमेट करना है। यहाँ पर कोने में सेट करें, लास्ट तक खींच लीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पर चाबी का गन पे टच करना है, लास्ट में जाना है, प्लस का गन पे टच करना है, इस तरह से इसे स्लाइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। तो इस तरह से होगा। आप लोग इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हो और भी बेहतरीन लगेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे हटा लीजिए एंड देखिए इस कोने में इसे सेट कर लीजिए फर्स्ट। अब आप लोगों को लास्ट में जाना है, प्लस का गम अटैच करना है एंड इधर के साइड इसे स्लाइड कर लेना है। तो गाइस देखिए किस तरह से होगा, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इतना तक हो जाने के बाद आप लोगों को इसे एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर टच करें, उसके बाद आप लोग इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों को एक बार बैक आना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पर टच करना है, सेकंड वाले से को चूज करना है, नेक्स्ट पर टच करना है। अब आप लोग इमेज पर टच करने के बाद एक ब्लैक कलर के में सिलेक्ट करना है, इसे 20 सेकंड तक कर लेना है खींच के। अब गाइस जो आप लोगों ने अभी एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। देखिए ये वीडियो इसे ऐड करें, ऐड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मूवमेंट देना है इसे ताकि ये 3D लुक लगे। तो फर्स्ट देखिए थोड़ा सा आगे आइए, देखिए फर्स्ट जो काइट है, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक लग गया है। तो थोड़ा सा ऊपर वाला लेयर को इंक्रीज कर लीजिएगा इस तरह से। अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, देखिए चाबी का गन प्रेस कर थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पर ये जो काइट है इसको फर्स्ट फोकस कर लीजिए। देखिए ये जिधर के साइड जा रहा है इस तरह से आप लोगों को स्लाइड करना है। तो देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो देखिए इस तरह से ये 3D लुक देगा, देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब गाइस आप लोगों को देखिए सेकंड वाला एक काइट वाला पीएनजी उसे आप लोग इस कोने से स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस कोने में आइए, देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से इसे स्लाइड कर लीजिए, देखिए जहाँ पर ये काइट जा रहा है इस काइट को सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, ठीक है, इस तरह से हो गया गाइस। अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे आना है एंड यहाँ पर जो ये मकर संक्रांति करके लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा जूम करना है इस तरह से। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो कैरेक्टर है इस पर फोकस करें एंड यहाँ पर गाइस आप लोगों को देखिए ये जो इस तरह से फोकस करें। अब आप लोगों को यहाँ पर जो काइट वाला पिक्चर है देखिए ये ख़त्म ही हो गया। तो आप लोग इस तरह से इस काइट पर फोकस कर लेना है। अब आप लोगों को पूरा जूम को डिक्रीज कर लेना है, नॉर्मल पोजीशन में ले आना है। तो गाइज आपका जो वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं ऑडियो के बिना प्ले कर रहा हूँ। आप लोगों को ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए लेयर पर टच करें, मीडिया पर टच करें। यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो है इस वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद डिलीट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन एक 3D मकर संक्रांति के ऊपर स्टेटस वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखे हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह का वीडियो बना सकते हो गाइज। तो आज का वीडियो देखते वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करेगा, चैनल पर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।